सऊदी अरब के दौरे में बाइडेन के बयान के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ाने के लिए उकसाने की रणनीति अपना रहा है। न्यूक्लियर हथियारों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान के बाद अब ईरान ने कहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने में सक्षम है, लेकिन इस बीच आपको हम बड़ी खबर ये बता दें कि अभी उसने इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया है। ताइवान ने दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य अभ्यास पर एतराज जताया है। दुनिया के कई देशों में जारी तनाव से जुड़ी खबरों का अपडेट ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। सऊदी अरब के दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद ईरान ने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के संकट को बढ़ाने के लिए उकसाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर ईरान फोबिया का सहारा लेकर इस क्षेत्र में तनाव और संकट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन ने कहा था अमेरिका मिडिल ईस्ट से दूर जाने वाला नहीं है। ईरान ने बाइडेन के लगाए सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार ने दावा किया है कि उनका देश न्यूक्लियर हथियार बनाने में सक्षम है, लेकिन ईरान ने अभी तय नहीं किया है कि उसे न्यूक्लियर हथियार बनाना है या नहीं। खामेनेई के सलाहकार ने कहा कि ईरान कुछ दिनों से 60% तक यूरेनियम स्टॉक करने में सक्षम थे, अब हम 90% तक यूरेनियम का उत्पाद कर सकते हैं। 4 दिन पहले बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए अंतिम विकल्प के तौर पर मिलिट्री ऑपरेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जापान के खिलाफ चीन बड़ी साजिश रच रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ने शिनजियांग के रेगिस्तानी इलाके में जापान मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ढांचे पर हमला करने का अभ्यास किया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि जापानी अवाक्स प्लेन के ढांचे को शिनजियांग प्रांत में तैयार किया गया था। बोइंग E-767 अवाक्स विमान का इस्तेमाल सिर्फ जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ही करती है। चीन की पोल खुलने के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। चीन से टकराव के बीच अमेरिका ने रोशनी से मिसाइल उड़ाने वाला हथियार बनाकर चीन को एक और तनाव दे दिया है। अमेरिकी वायुसेना को बेहद खतरनाक और विध्वंस मचाने वाला पहला हाई एनर्जी लेजर हथियार मिल गया है, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाए गए हथियार जैसा ही है, लेकिन ये अत्यंत ही विध्वंसक हथियार है जिसे किसी पॉट पर रखकर बेहद आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। बीते साल ही अमेरिकी वायुसेना को नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट एनवायरमेंट एयरबोर्न लेजर हथियार मिल चुका है। प्रशांत क्षेत्र में चीन की दखल और बढ़ी है। इस क्षेत्र में चीन अब नए अंदाज में अपना दबदबा बनाकर दुनिया को चौंका रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक प्रशांत क्षेत्र में चीन की मौजूदगी को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चीन ने अब आगे बढ़कर छोटे राजनयिक कदमों से लेकर व्यापार को दोगुना करने तक प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्रों में पिछले एक दशक के दौरान अपने हितों का विस्तार किया है। चीन अब इस क्षेत्र का स्थायी और बड़ा भागीदार बनने की पोजीशन में खड़ा हो रहा है। बार बार ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन ने अपनी आर्मी के एयर डिफेंस ब्रिगेड का वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखाई है। इस वीडियो में चीन की एयर डिफेंस ब्रिगेड शिनजियांग के पहाड़ी इलाकों में सैन्य अभ्यास करते नजर आ रही है। यहां चीन की आर्मी 5000 मीटर की ऊंचाई पर दिन रात सैन्य अभ्यास में जुटी है। पिछले कुछ महीनों से चीन अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने में लगा है। चीन की तैयारियों को देख ताइवान पर हमले की आशंका बनी हुई है। ताइवान की सीमा के करीब और दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य अभ्यास को लेकर ताइवान भी सतर्क है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की ये मिलिट्री प्रैक्टिस ताइवान को धमकाने के लिए है। चीन की तैयारी ताइवान के खिलाफ उसके बढ़ते आक्रामक रुख का भी संकेत माना जा रहा है। इस साल की शुरुआत से ही चीन ने ताइवान के द्वीप के करीब अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बीते 8 जुलाई को चीनी आर्मी ने ताइवानी जल और वायु क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया है। उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाले चीन को मानवाधिकार के मुद्दे पर दुनिया के कई देशों ने कटघरे में खड़ा किया, लेकिन चीन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। चीन अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने उइगर मुसलमानों को साफ कह दिया है कि चीन में इस्लाम को चीनी समाज के हिसाब से ही मानना होगा। जिनपिंग ने अधिकारियों से कहा कि वो इस्लाम को चीनी परंपराओं और समाज के मुताबिक ढालने की कोशिशें तेज कर दें। आर्थिक महासंकट और गृहयुद्ध जैसे हालात से गुजर रहे श्रीलंका में खाने पीने और दूसरी रोजमर्रा की जरूरी सामानों की भारी कमी हो रही है। राजधानी कोलंबो के सुपरमार्केट में जरूरी सामानों का स्टॉक खत्म हो रहा है। जरूरी सामानों के नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। श्रीलंका ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सिर्फ भारत से मदद मिल पा रही है। कोलंबो में डीजल पेट्रोल की भारी कमी है। पेट्रोल पंपों पर सेना को तैनात कर दिया गया है। उधर डीजल की सप्लाई नहीं मिलने से निगम्बो बंदरगाह पर मछुआरों का कारोबार भी बंद पड़ा हुआ है।